एवरीवन, हाय, माय नेम इज अलीजा इकबाल, एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो आज मैं आपको फिजिक्स का कंप्लीट प्लान बताऊंगी, जिसको आप फॉलो करके आराम से 170 प्लस स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स की वीक होती है, मेरी भी वीक थी। एंड सबसे ज़्यादा डर जो लगता था मुझे सिर्फ फिजिक्स में लगता था, क्योंकि यहाँ मैथ्स अपन की वीक होती है, तभी तो बायो चूज करते हैं 11 से। एंड देन फिर भी फिजिक्स मैथ्स पीछा नहीं छोड़ती है, वो फिजिक्स के फॉर्म में आ जाती है। सो आज मैं आपको ऐसा प्लान बताऊंगी जिससे आपको, जो आप फॉलो करके आपको फिजिक्स ईजी लगने लगेगी। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो पक्का आपको फिजिक्स ईजी लगने लगेगी। और ये टफ वफ कुछ नहीं होता है, अगर आपने अच्छे से फिजिक्स को एक बार समझ लिया तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अनलाइक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स को अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आप नहीं भूलोगे कभी, एंड बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए फिजिक्स। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले चीज़ जो आती है वो लेक्चर्स होते हैं। फिजिक्स में लेक्चर्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार के लिए बायोलॉजी के लेक्चर स्किप भी कर सकते हैं, बट फिजिक्स आपको समझ ही नहीं आने वाली अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखा तो। अब लेक्चर्स कहाँ से देखना है, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, कोई भी पेड बैच ज्वाइन कर लें, या फिर आप नॉर्मली यूट्यूब से वीडियोज देखकर पढ़ाई करें। यूट्यूब से वीडियोज देखकर पढ़ाई तभी करना जब आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, वरना आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर मेरी मानो तो आप कोई भी पेड बैच ले लो या फिर कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई भी पेड बैच, सस्ते से सस्ता, बस आप पेड बैच ले लो, क्योंकि वहाँ पर आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाएंगी। हर चीज़ का स्केड्यूल ऑलरेडी होगा, DPPs, टेस्ट वगैरह का स्केड्यूल ऑलरेडी पहले से ही होगा, लाइव लेक्चर्स, डाउट सेशंस, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, भटकना नहीं पड़ेगा आपको इधर उधर चीज़ों के लिए। हाँ, तो आप लेक्चर्स देखें सारे, उसके बाद जो लेक्चर्स देखना वो 2x की स्पीड में मत देखना, इतने जल्दी जल्दी भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। आराम से नॉर्मल स्पीड में आप लेक्चर्स देखना, और जो भी कराया जाए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, तो उसमें पहले वीडियो को पॉज करना, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, चाहे जितना टाइम लग जाए, लेकिन टाइम देना उस क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग लगाना खुद से पॉज करके, उसके बाद खुद आंसर निकल के फिर वीडियो ऑन करना। और अपने फिक्स्ड टीचर्स रखना, मतलब ये नहीं कि एक वीडियो इन टीचर की देख ली तो दूसरी वीडियो उन टीचर की देख ली, तो मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन से टीचर्स की वीडियो देखें, ऐसे मत करना। फिक्स लेक्चर्स रखना, फिक्स टीचर्स की वीडियोस देखना। एंड रही बात बेस्ट टीचर्स की, तो वैसे तो सारे टीचर्स बेस्ट रहते हैं, सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे पर्सनली जो बेस्ट टीचर्स हैं वो मैं बता दे रही हूँ। MR सर फिजिक्स वाला, अलग पांडे सर ओल्ड लेक्चर्स, तमन्ना चौधरी मैम एंड महेंद्र सर अनअकैडमी। अब नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, किसी और के नोट्स से आप कभी अच्छा नहीं कर पाओगे, तो नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। लेक्चर्स के साथ साथ ही आपको नोट्स बनाते चलना है। जो भी टीचर लिखवा रहा है, जो भी टीचर बोल रहा है, उसकी एक एक स्टेटमेंट आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं, बोल देते हैं और वो लिखते नहीं हैं, तो वो वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको अपने नोट्स में लिखना है। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, क्योंकि यही आपके आगे जाके काम आएंगे। उसके बाद नोट्स बनाकर उसको 3-4 बार अच्छे से पढ़ो, एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, सल्यूशन मत देखना पहले खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, 3-4 बार थरली रिवाइज करो नोट्स को। देन फॉर्मूला शीट, आप एक पतली सी नोटबुक ले लीजिए और उसमें जितने भी एक चैप्टर्स के फॉर्मूला हो, जो भी चैप्टर्स कराए जाएँ, उनके फॉर्मूला शीट अलग से बना लीजिए। उस नोटबुक में आप एक पेज पर सारे फॉर्मूला लिख लीजिए उस चैप्टर के, तो यही आपके शॉर्ट नोट्स हो गए। आपको कोई इसमें शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लास्ट मोमेंट पे आपके यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स बोल रहे हैं, फॉर्मूला शीट बोल लो, यही आपकी फॉर्मूला शीट काम आएगी एंड टाइम पर। अब बात आती है बुक्स की, कि कौन सी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप अपने कोचिंग के कोई भी मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोचिंग का मॉड्यूल हो या DPPs वगैरह हो, जिस भी आपने अगर पेड ऑनलाइन बैच लिया हो तो फिर आप ऑनलाइन में भी मॉड्यूल्स DPPs वगैरह देते हैं, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बुक चाहिए है तो आप फिजिक्स के लिए MTG बुक ले सकते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है सॉल्व, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके पास इनफ टाइम है कि आप आराम से 30 ईयर्स या 30 ईयर्स तक के तो लगा ही सकते हैं, अभी इतना टाइम है आपके पास।
तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ओसवाल बुक ले सकते हैं। उसमें एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता है। अपना एम बनाएं एटलीस्ट रोज 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का, एंड हर चैप्टर से 150 टू 200 क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा आपको, क्योंकि इस टाइम पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, रिस्क नहीं ले सकते हैं अपन कम सॉल्व करके, इसलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए सॉल्व करने की, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है जिसमें सॉल्व करने में, तो आप उसमें नॉर्मली एक स्टार मार्क कर लीजिए। अगर या फिर कोई क्वेश्चन आ तो गया, आपसे सॉल्व भी हो गया, बट आपको लग रहा है कि नहीं इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है एंड हो सकता है भूल जाऊँ, तो मतलब अच्छा लगा जो आपको क्वेश्चन, उसमें भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, जिससे आप जब रिविजन करोगे तो इन स्टार मार्क्स क्वेश्चन को पहले करोगे। अब रिविजन, फिजिक्स को रिवाइज करने का बेस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ो जो आपने बनाए हैं क्लास में, 4 से 5 बार बहुत अच्छे से पढ़ो उनको, एकदम थरली रिवाइज करो, एंड नोट्स रिवाइज करके आप फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, अब आपको जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चंस जो लगाए हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, एंड उसके बाद जो फॉर्मूला शीट बनाई है उसको अच्छे से रिवाइज करो, एंड दैट्स इट। अब एनसीईआरटी बुक, फिजिक्स की एनसीईआरटी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, तो आपकी जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। पहले आप अच्छे से नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सारी डीपीपीज लगाइए। फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको तब पढ़नी है जब आपकी सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली प्रिपेयर हों, लेकिन अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास पूरा साल पड़ा है, इसलिए आप आराम से फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एंड एनसीईआरटी में भी आपको मेनली 3 चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले समरी पढ़नी है, उसके बाद पॉइंट्स टू पॉन्डर, एंड देन ग्राफ्स देखने हैं। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो इन 3 चीज़ों से आ जाते हैं, वरना तो सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको मेजर चैप्टर्स बता दे रही हूँ जिसमें से थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, पूरी मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से कर लेना आप एनसीईआरटी से, एंड सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिज्म इन मैटर, और भी बहुत सारे हैं, बट मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है कि आप इन चैप्टर्स को ज़रूर कर लेना, और अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे चैप्टर्स पढ़ लेना। बात आती है टेस्ट की, टेस्ट या टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप, ज़्यादातर बच्चों की फिजिक्स वीक होती है इसलिए वो टेस्ट से डरते हैं और टेस्ट पेपर्स नहीं देते हैं, आप मत बनना। वैसे टेस्ट से ही एनालाइज कर पाओगे आप कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, क्या नहीं कर पा रहे हो आप सॉल्व, सब कुछ टेस्ट से पता चलेगा। और अगर आपकी फिजिक्स बहुत वीक हो तो आप अकेले 1 घंटे का फिजिक्स का टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे सिर्फ 1 चैप्टर का फिजिक्स का टेस्ट हो रहा है तो टाइम मैनेजमेंट आएगा आपको उससे, एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट आपके लिए, इसलिए टेस्ट तो आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि अब एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप इतना सा भी रिस्क नहीं ले सकते किसी भी चीज़ में, जितना हो सके उतना टेस्ट दो, उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार टेस्ट दे दिए फिर आप देखो भी तो कि आपने क्या गलती करी, आपको क्या नहीं आता था, क्या आपको अच्छे से आता है, आपका क्या, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बार बार, एंड कौन सा टॉपिक वीक है जिसको आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस भी 3 टाइप से होगी, या तो वो आपको, आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी होगी, मतलब आता तो होगा बट कोई सिली मिस्टेक की वजह से आपसे गलत हो गया वो क्वेश्चन, या तो वो क्वेश्चन आपको पढ़ा होगा बट आप उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब वो आपका वीक टॉपिक हो गया, आपको अच्छे से वो टॉपिक नहीं आता है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक को। थर्ड ये हो सकता है कि आपने वो टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं हो, वो क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं हो तो सॉल्व कैसे होगा, इसलिए यार अब उसे अच्छे से पढ़ लेना तब हो जाएगा वो सॉल्व। एंड मिस्टेक नोटबुक, अब आप एक अपने लिए एक मिस्टेक नोटबुक भी बनाएं जिसमें आप अपनी सारी मिस्टेक्स को नोट कर पाएं। फॉर एग्जांपल आपने कोई टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत कर दिया अपनी सिली मिस्टेक की वजह से, या फिर वो अगर आपको आता ही नहीं हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखें, उसका आंसर लिखें, और वो अपनी सिली मिस्टेक अपने वर्ड्स में लिख के मैंने ये गलती करी थी उस वजह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे जाके। सो दैट वॉज इट, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे फिजिक्स के लिए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।